हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी। देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जो भी उस इंसान के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होती हैं उससे उसका कैरेक्टर बनता है, और ये जो कैरेक्टर है वो अलग होता है और कई लोग मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, कई सारे जो लोग हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है कैरेक्टर। हर किसी व्यक्ति की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, अलग कुछ कैरेक्टर होता है उसका, अलग क्वालिटीज़ होती है, तो उसी को हम कहते हैं पर्सनैलिटी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का मतलब हमने यहाँ पर समझा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जंग क्लासिफिकेशन और बिग फाइव थ्योरी, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सनैलिटी है उसके टाइप्स क्या हैं। क्या है पर्सनैलिटी के जो टाइप्स हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके जो टाइप्स हैं वो हैं दो तरीके के क्लासिफिकेशन, यानी कि उसको बताया गया है, ठीक। एक तो जंग क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है, एक बिग फाइव थ्योरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप लोगों को बताना है कि ये जंग क्लासिफिकेशन जो है ये किसके द्वारा दिया गया था और बिग फाइव थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जंग क्लासिफिकेशन में तीन चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि एक व्यक्ति होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक तरीके की ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको हम एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं, और एक होता है एम्बिवर्ट, ठीक है। तो जो इंट्रोवर्ट होता है ये थोड़ा शांत व्यक्ति होता है, ठीक है। इन्हें इस तरीके के जो भी लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, नॉर्मली बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, या अगर सोशल हैं लेकिन वो चुप रहेंगे ज़्यादातर, ठीक है, इस तरीके के होते हैं। तो एक्स्ट्रोवर्ट में जो होते हैं वो टॉकेटिव भी होते हैं, काफ़ी बोलते हैं वो, ठीक है, सोशल ज़्यादा होते हैं वो इस तरीके से, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं, प्रेजेंट ज़्यादा करते हैं वो, ठीक। एक होते हैं एम्बिवर्ट जिनमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, ये और ये, यानी कि इंट्रोवर्ट की क्वालिटी भी होती है और एक्स्ट्रोवर्ट की क्वालिटी होती है, यानी कि वो चुप रहना भी जानते हैं अच्छे से, ठीक है, और वो काफ़ी जो है टॉकेटिव भी होते हैं। तो हर तरीके की इनमें दोनों तरीके की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो है बिग फाइव थ्योरी, तो बिग फाइव थ्योरी में क्या बोल रहे हैं कि ओपननेस होती है, ठीक है। पांच तरीके की पर्सनैलिटी यहाँ पे बताई गई है बिग फाइव थ्योरी के अंतर्गत। तो इसमें क्या है ओपननेस, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ओपननेस यानी कि ओपन होते हैं ये काफ़ी, ठीक है, और चीज़ों पर बात करना इन्हें ज़्यादा बेटर लगता है, हर चीज़ को अच्छे से ओपननेस होती है इनके अंदर, ठीक है। फिर कॉन्शाइंसियसनेस, यानी कि काफ़ी ये भी क्यूरियस होते हैं, ठीक है, और कॉन्साइंसियस यानी कि हर चीज़ को थोड़ा सोच समझ के अच्छे से करते हैं, ठीक है। फिर है एक्स्ट्रावर्जन, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों को मतलब चीज़ों को एक्स्ट्रा तौर पर काफ़ी ठीक से समझते हैं, ठीक, और ध्यान से फैसले लेते हैं। फिर है एक एग्रीएबलनेस, तो इसमें क्या होता है कि जो ये एग्री जल्दी हो जाते हैं चीज़ों को, ठीक है, समझते ठीक से हैं और एग्री हो जाते हैं, यानी कि इनसे ये जो डिसीजन मेकिंग इनकी जो होती है वो ऐसी होती है कि बहुत जल्दी चीज़ों पर एग्री हो जाते हैं, ठीक है। अगर इनको लगता है कि एग्री होना चाहिए तो बहुत जल्दी नॉर्मली एग्री हो जाते हैं चीज़ों पर। फिर एक होते हैं न्यूरोटिसिज्म, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ कि न्यूरोटिसिज्म जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि एग्रीसन, देखिए स्पोर्ट्स में थोड़ा गुस्सा तो आता ही है जब भी कोई टीम आपस में खेलते हैं, ठीक है, और जब एक दूसरे के अगेंस्ट टीम होती हैं तो एग्रीसन तो होता है, लेकिन इसका जो एग्रीसन है उसका मीनिंग हम देखेंगे और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो एग्रीसन का मतलब होता है कि एक तरीके की एंग्री फीलिंग्स, ठीक है, कुछ एंग्री फीलिंग्स होती हैं और बिहेवियर जो है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एक्स्ट्रावर्जन मैंने यहाँ पर बताया है इसका मीनिंग भी आपको अच्छे से बताना है होमवर्क में, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने होमवर्क में दी है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूँ इसलिए मैं दे रहा हूँ इसको, ठीक है। मीनिंग ऑफ एग्रीसन एंड इट्स टाइप्स, तो एग्रीसन का जो है मतलब क्या होता है, तो एक तरीके की एंग्री फीलिंग्स होती हैं ये, ठीक है, या बिहेवियर जिसमें क्या होता है हम किसी भी व्यक्ति पर अटैक करने की पोजीशन में होते हैं या हम सोचने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, तो इस तरीके का जो है वो बिहेवियर होता है, एक एंग्री फीलिंग्स होती हैं ये, ठीक है। अब ये जो एग्रीसन है इसके तीन टाइप्स बताए गए हमें, ठीक है। तो एक तो असर्टिव बिहेवियर यानी कि नॉर्मल बिहेवियर जो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को हार्म पहुंचाना तो नहीं चाहता है, लेकिन लेजिटिमेट फोर्स होता है, थोड़ा फोर्स रहता है कि हाँ
ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा रहता है, अनयूजुअल एफर्ट इसमें देखने को मिलता है, यानी कि बिना किसी बात पे गुस्सा और एनर्जी काफ़ी इसमें खर्च होती है, ठीक है। ये इस तरीके का असर्टिव बिहेवियर होता है। और इसके बाद जो है वो है हॉस्टाइल एग्रीसन। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी को हार्म पहुंचाने की स्थिति में होता है कि वो हार्म पहुंचा देगा, ऐसा उसका इरादा होता है, ठीक है। उसका एक तरीके से गोल ये हो जाता है कि उसे हार्म पहुंचाना है किसी को, ठीक। अनयूजुअल एफर्ट इसमें भी लगता है और एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि एनर्जी काफ़ी खर्च होती है इसमें। फिर इंस्ट्रूमेंटल एग्रीसन होता है एक, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रीसन का मतलब होता है कि उसमें भी इंटेंट टू हार्म, यानी कि हार्म पहुंचाने की इसकी इंटेंट होती है, इरादा होता है, ठीक है। जीतने की ज़्यादातर इच्छा होती है उसमें, ठीक है। और लेकिन इसमें एंगर जो है वो नहीं होता है, ठीक। हार्म पहुंचाने का तो होता है, लेकिन इसमें जीतने की इच्छा ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्रीसन होता है ज़्यादा और जो है एंगर नहीं होता ऐसा, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इसमें। तो हमने एग्रीसन के टाइप भी देख ली, अब देख लेते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या होता है, माइंड के एक लेवल पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी एक खुद की एस्टीम होती है, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। एक होती है मेंटल इमेजरी और एक होता है सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग। तो ये हैं क्या ये चीज़ें? तो देखिए, सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचना, अपने बारे में पूरा एवेलुएट करना कि मेरी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और अपने आप को बेटर बनाना, ठीक है, सेल्फ एस्टीम के जरिए। तो ये सेल्फ एस्टीम होती है। मेंटल इमेजरी मतलब होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे माइंड में है उसको इमेजिनेशन करना, ठीक है। इमेजिन करना कि चीज़ें कैसे होंगी, हमें कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, हमें स्पोर्ट्स में बेटर प्रदर्शन कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, पुराने जो हमारे गेम्स रहे हैं, जो अपने जो क्या नाम है स्पोर्ट्स में जो भी कॉम्पिटिशन्स रहे हैं उनको इमेजिन करना कि कहाँ पर गलतियाँ हुई थी, क्या है, ये सब चीज़ें इमेजिन करना। फिर सेल्फ टॉक, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल्फ एस्टीम के बारे में बता दिया, यहाँ पे है सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक में क्या है, टॉकिंग टू सेल्फ और इनर वॉइस, यानी कि अपने आप से पूछना, सवाल करना और अपने इनर वॉइस से सवाल करना, ठीक है। टॉकिंग टू सेल्फ, अपने आप से बात करना, समझना अपने आप को और अच्छे से, ये चीज़ होती है इसमें। ये भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है एक तरीके का स्पोर्ट्स में, ठीक। तो फिर है गोल सेटिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि वो एक्टिव स्टेप्स, यानी कि मान लेते हैं कोई भी कंपटीशन है उसको जीतना है, तो उसके लिए पहले से एक जो प्लेयर है वो एक तरीके से गोल सेटिंग करता है कि उसे वो जो है कंपटीशन है उसे जीतना है, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट और जो भी डिज़ायर्ड एक्टिव स्टेप्स हैं वो उठाता है वो, ठीक है, स्टेप्स लेता है, ठीक है, ताकि उसको इच्छा जो उसकी है, जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 9 को यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट वीडियो एक तरीके का है ये, ठीक है, और फिर भी मैंने इसमें बताने की कोशिश की आपको एक एक पॉइंट। तो चैप्टर 9 जो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है अभी, ठीक। अब जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर 10 जो है उसका वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।